बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रात के 12:35 हो रहे हैं। बहुत ही अफसोस का मकाम है और लानत का मकाम है उन तमाम जखीरा अंदोजों के लिए जिन्होंने आज के जब कराची पे पाकिस्तान पे एक वक्त आया और कोरोना वायरस जैसी वबा के केसेस सामने आना शुरू हुए, तो ये डब्बा मास्क का, ये डब्बा पूरा कराची घुमाऊं तो ये दो डब्बे मास्क के, जिसके अंदर ये मास्क जिसकी कीमत मुश्किल से 10 रुपए नहीं थी, आज ये मास्क कराची में 180 रुपए वाला डब्बा 1700 रुपए का बिक रहा है। कहां इधारे, कहां है पुलिस, कहां है रेंजर्स, कहां है FIA, मारे ना छापे, उठाए इन लोगों को जो इस वक्त बेगरती कर रहे हैं। लोग घबरा रहे हैं, लोग टेंशन में परेशान हैं। कौन से जलील जखीरा अंदोज हैं जिनको आज मुसीबत नजर नहीं आ रही, जो इस परेशानी में भी लोगों को तंग कर रहे हैं। पकड़े ना उन लोगों को, क्यों 180 वाला डब्बा 1700, 1800 और 2000 रुपए का मिल रहा है, 10 रुपए वाला मास्क क्यों खरीदा कोई 300 रुपए का। और मैं सिर्फ इतनी से अपील करूंगा, कोई भी ऐसा दरिंदा शख्स है उस शख्स पे लानत भेजें और कोशिश करें ढूंढें कोई अगर खुदा का नेक बंदा मिल जाए उससे खरीदें। और मैं एक बार फिर लानत भेजूंगा उन तमाम जखीरा अंदोजों पे जो इस मुसीबत में भी पाकिस्तानियों को, कराची वालों को तंग कर रहे हैं और जलील कर रहे हैं, इस मास्क के लिए रुसवा कर दिया लोगों को। और इदारों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के लिए इनको पकड़ें, जेलों में डालें और ये पकड़ के आवाम को रोडों में बांटें। लोग ख्वार हो रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रहा, लोग पान की दुकानों पर जा रहे हैं कि एक मास्क दे दो खुदा के वास्ते।